हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं बस अभी घर आई थी, तो मेरे को ना ऐसे तसल्ली सी नहीं होती जब तक ना घर ऐसा मैसी मैसी हो रखा हो ना, कुछ भी काम अधूरा रहता है। तो मेरे को ये हमेशा से ये रहता है कि फटाफट काम निपटा लो। तो मेरे पापा जी कह रहे इतनी गर्मी में तू कहाँ जाएगी। मैंने कहा पापा जी गर्मी हो, कुछ हो, काम तो करना है, तो मैं जाके पता करती हूँ। वो मैंने बताया था ना सीवेज का काम मेरा रहता था करवाना, मैं कहा वो करवा दूँ मैं, तो कंप्लेन डालती रहूंगी, आ जाएंगे, हो जाएगा, कोई नहीं, मतलब ऐसा कोई वो बड़ा काम नहीं है, हो जाएगा। ये देखिए दाल, इसमें क्या क्या हो गया है ना, उग गया है सारा, क्योंकि 4-5 दिन से बाहर थी, क्योंकि आपको पता है अभी हाँ एडमिट था हॉस्पिटल में। बर्तन देखो मैंने सारे निकाले हैं, सफाई में कर रही थी, अभी बहुत ज़्यादा नहीं करी, बस यहाँ पे बेड बना दिया, अभी इस तरह झाड़ू लगा दिया, पीछे भी मतलब थोड़ा नॉर्मल सफाई कर दी मैंने आके फटाफट। अभी मैं गर्मी इतनी लग रही है, ये देखिए आप, बाहर भी पूरा मैंने झाड़ू लगाया, क्योंकि यार गंदगी इतनी हो रखी थी ना, मैं दिखा नहीं सकती थी आपको, घर की हालत ऐसी हो रखी थी कि पूछो मत। फिर थोड़ा सा यहाँ भी झाड़ू लगा दिया मैंने, मिट्टी मिट्टी पूरा ये एरिया तो बस मिट्टी मिट्टी भरी हुई थी। इतने दिन बाद आए ना हम, 5 दिन बाद हॉस्पिटल से, मैंने सोचा विहान आए उससे पहले मैं थोड़ा सा काम निपटा देती हूँ घर का, और वही मैं करने लग रही हूँ। तो अभी मैं ही जाके दाल फेंक के आती हूँ, थोड़ा रसोई की क्लीनिंग करती हूँ, नहाना भी है, गर्मी इतनी है, बुरा हाल हो रहा है मेरे फेस का सही में। अंगूर देखिए खराब हो गए, खाए भी नहीं थे, फ्रिज भी बंद भी नहीं था फ्रिज भी, बट पता नहीं क्या खराब हो गए, फेंकने पड़ेंगे। ये देखो मैंने केले भी फेंके हैं इसमें, अभी मैं कूड़ेदान में फेंक के आऊंगी सारा, ये देखो सारे खराब हैं। फ्रिज में और चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें खराब हो गई हैं। ये आलू है सड़ गया है सारा, ये उबली हुई राजमा थी, मम्मी के आने से पहले फेंकूंगी वरना मम्मी फेंकने नहीं देंगे, कई दिन पुराना है, 5-6 दिन खा लेंगे। ये पनीर है ख़राब हो रखा है, ये चावल है फेंकूंगी भाई, ये पनीर है, ये तो सारा जाएगा डस्टबिन में। ये देखो फंगस लग गई है पूरी, 5-6 दिन से थे नहीं ना घर पे हम, चटनी थी, ये भी ख़राब है, ये भी कचड़ा है, ख़राब हो चुका है सारा। ये क्या है, ये छोड़ देती हूँ वरना मम्मी चिल्लाएंगे कि सारा कुछ फेंक दिया, अभी खाली है बाकी तो सब, यहाँ तो ठीक है बाकी सामान। घी रखा है, ये भी घी है, अभी खोला नहीं है ये वाला, बाकी ये टमाटर भी लगभग ठीक ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब फेंक देती हूँ मैं। फ्रिज हमारा देखिए हो गया है पूरा खाली, अभी इसको मैं साफ़ कर दूँगी, क्लीन करना है। इसके मैंने जो कवर थे वो भी निकाल लिए हैं, क्योंकि इसको साफ़ करना ज़रूरी है। और ऊपर क्या रखा है, ये तो ऐसे ही है, बर्फ़ है, अब इसको साफ़ करेंगे हम। और बर्तनों का तो देखिए ये कवर निकाले हैं धोने के लिए, ढेर लग गया है, जैसे ही मैंने वो निकाला है ना सामान फ्रिज में से। पहले तो एक काम करते हैं हम, जाके कूड़ादान, कूड़े को कूड़ेदान में जाके फेंक आते हैं, क्योंकि ये देखिए डस्टबिन पूरा फुल हो गया है। और मेरी मम्मी भी देखेंगे ना डस्टबिन, फिर गुस्सा करेंगे कि ये चीज़ भी फेंक दी, ये भी फेंक दी, क्योंकि पता चल जाएगा देख के डस्टबिन में। तो पहले मैं काम करती हूँ, फ़ोन घर पे छोड़ के कमरा बंद करके फटाफट जाके बाहर जाऊँगी और कबाड़ फेंक के आती हूँ। यहाँ पे ना पानी बाहर रखा हुआ था, तो मैं क्या कर रही थी, फ्रिज के स्टैंड क्या बोलते हैं इनको, जो जिसपे हम खाना वाना रखते हैं ना, ये कांच के और प्लास्टिक के होते हैं, इनको पानी में से निकाल रही थी, क्योंकि ढंग से साफ़ हो जाएंगे। मैंने सोचा फ्रिज में से निकाल ही लेती हूँ, वैसे जनरली मैं क्या करती हूँ कपड़ा मार देती हूँ, गीले कपड़े से फ्रिज पूरा वैसे ही साफ़ कर देती हूँ, बट अभी थोड़ा अच्छे से साफ़ करना चाह रही थी। 5 दिन से नहाई नहीं हूँ, तो देखो कपड़े भी वही, मतलब हॉस्पिटल वाले पहने हैं, पर फिर भी ये हो जाता है कि थोड़ा सा काम निपटा दूँ 1-1.5 घंटा लग के, उसके बाद मैं अपना नहा लूँगी फिर। तो यहाँ पे ना पड़ोसी हैं जो मुझसे बात कर रहे थे, पड़ोसी हैं 2-3 घर छोड़ के, एक्चुअली उनको ना पीछे स्टोर रूम बनवाना है अपने घर में, जैसे मैंने नहीं बनवा रखा अपने घर में फाइबर वाला, तो वो कह रहे थे कि नंबर दे दो उस लड़के का जिन्होंने यहाँ आपका बनवाया था, क्योंकि उनको भी बनवाना है। तो मैंने कह दिया कि चलो ठीक है, नंबर मैं दे दूंगी, एक बार मैं थोड़ा सा साफ़ कर लूँ पहले जो मैं अभी ये काम कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी ये साफ़ करने लग रही हूँ, क्लीन हो जाएगा, फ्रिज भी अच्छे से क्लीन कर देंगे, क्योंकि काम तो हमें करना है। फ्रिज की क्लीनिंग मैंने कर दी है, ओके लाइट जलाऊँ, ये देखो फ़ोन की लाइट जला दी,
तो ये तो मैंने क्लीन कर दिया, सारा हो गया। इसके कवर अभी धोऊंगी, वॉश करूंगी, सुखाऊंगी, बाद में लगा दूंगी। ये तो जरूरी होता है, कहीं से आप इतने टाइम बाद आओ ना तो घर की सफाई में सबसे पहले तो फ्रिज की सफाई जरूरी थी, वो तो हो गई है। अभी बर्तनों पे जाऊं या पहले नहा लूं सोच रही हूँ, बर्तन बहुत सारे हो रखे हैं। एक काम करती हूँ, मैं पहले नहा लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा यार, इतना काम कर लिया वो भी कम नहीं होता। देखो ना, सफाई कर ली, बस पोछे का ही काम रहता है ना मेन तो। और आप सोच के देखो ना, मैं 5 दिन से नहीं नहाई हूँ और वो भी हॉस्पिटल में बैठी हूँ 5 दिन से। मैंने सिर भी देखो कैसा हो रखा है मेरा, हुलिया देखो आप, कपड़े भी देखो। तो मैं सोच रही हूँ हेयर वॉश करके बढ़िया सा अच्छा सा बाथ ले लेते हैं, नहा लेते हैं, काम होता रहेगा। देखा देखी जानी है, हो जाएगा, धीरे धीरे कर लेंगे। वैसे भी जब से मैं आई हूँ ना, मैं 2 घंटे हो गए मैं बैठी नहीं हूँ, जब से आई हूँ मैं लगी रही काम कर दिया, काफ़ी हद तक तो कर दिया काम। बाकी थोड़े बहुत बर्तन हैं, आधे भी धो दूंगी ना आज, वो भी काफ़ी हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा। आप समझ सकते हो हॉस्पिटल में 5-5 दिन पूरी रात पूरा दिन निकालना एक जगह बैठे बैठे, बंदा तंग हो जाता है हॉस्पिटल में। वैसे ही मन नहीं करता रहने का, मैंने तो काफ़ी दिन निकाल लिए, तो इसीलिए जितना था साफ सफाई कर तो ली है। बस एक बार तो बर्तन है वो थोड़े से छोड़े हैं मैंने, मम्मी भी अभी आएंगे, मम्मा तो उसी घर में। एक्चुअली विहान को मैं लेके इसीलिए नहीं आई थी, मैंने कहा थोड़ी सफाई कर लेती हूँ पहले, फिर वो डिस्टर्ब होएगा, कूलर चला दूंगी, जैसे ही वो आएगा ना आराम से कूलर में सोएगा, इतने में नहा लेती हूँ वरना वो रोएगा, मम्मी नहीं दिखेंगी तो। नहाने के बाद बेटर फील होगा मुझे, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको। बस अब नहा ली हूँ हेयर, अभी मैं अभी बाल थोड़ी देर में कॉम करूँगी, पहले सुखा लूँ। और आज देख लो इतने टाइम बाद मैंने थोड़ा सा काजल लगाया आईज़ में, बाकी आप पिछले वीडियोज़ में देखोगे काजल नहीं दिखेगा आपको, जब हॉस्पिटल में थी मैं तो बिना काजल के रखती नहीं हूँ आईज़ में बिल्कुल भी, हमेशा लगा के रखती हूँ। तो मुझे इतनी खाली खाली सी लग रही थी उस टाइम आईज़, तो मैंने अभी नहा के सबसे पहले जाके मैंने अपनी आईज़ में थोड़ा सा काजल लगाया। और ये जो लिपस्टिक का शेड है ना जो मैंने लगाया, बहुत लाइट है, इतना डार्क नहीं है जितना दिख रहा है, पता नहीं क्यों इतना डार्क लग रहा है। ये बिल्कुल लाइट कलर था, डार्क लिया तो मेरे से लग गया, मैंने ज़्यादा कर लिया, ये हुआ होगा। अब मैं जल्दी से फ़ोन मिलाती हूँ पापा जी के पास और पूछती हूँ विहान कितनी देर में आ रहा है यहाँ, क्योंकि शाम हो गई है। पहले तो आप ये बताइए मुझे, आपको मेरा ये कवर कैसा लग रहा है, आई डोंट केयर वाला? ये ना मेरा पहले वाला जो था ना जो फ़ोन के साथ आया था वो हो गया था ख़राब, तो देखिए पापा जी नया लाए हैं, ये 80 रुपये का आया है, सही है ना, पापा जी की पसंद का है ये। इस पर लिखा हुआ है, मेरे को हंसी आई, इस पर क्या लिखा हुआ है, आई डोंट केयर, है ना। और आज तारीख देख लो 17 मई है, कल जाएगा ये ब्लॉग ना मेरा, सुबह का टाइम हो गया है। और बस ये मेरा फ़ोन है, आप देख लीजिए जिससे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, ये मेरी गैलरी है फ़ोन की, ये YT म्यूज़िक, मैसेज, इंटरनेट, ये देख लीजिए हमारा, ऐसे ही ऐप्स हैं थोड़ी बहुत, सैमसंग का फ़ोन है मेरा। काम तो बहुत सारे हो जाते हैं, अभी पानी आया था तो मैंने क्या किया, अभी कूलर भरा, 2-3 बाल्टियों में पानी भर दिया, टंकी चलाई, मतलब टंकी कह रही हूँ, मोटर चला के टंकी में ऊपर पानी भरा, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि पानी की कमी ना हो। अब सारा प्रॉपर सुबह विहान को खाने में दही खिला रही थी, कल बाज़ार से लेकर आई थी 50 रुपये की आधा किलो दही, तो दही खा रहा, 1-2 चम्मच खाए हैं और आधा चीकू खाए हैं, तो थोड़ा थोड़ा पीछे लग लग के थोड़ा थोड़ा खिलाती हूँ। अभी 1-2 बादाम दे दिए कि बादाम खा लेगा, पापा जी कह रहे थे खिचड़ी तू मत बनाइयो, मैं ही बना के लेकर आऊँगा विहान के लिए। मैंने कहा ठीक है वही नानू लेके आएंगे खिचड़ी, तो अभी खिचड़ी मैं बना नहीं रही हूँ इसी वजह से, आज काम भी करवाना है बहुत सारा है, मुझे मालूम है क्या क्या करवाना है, बहुत लिस्ट बन जाती है डेली, रात को लिस्ट बन जाती है। कल रात को तो मेरी मम्मी बहुत गुस्से में आ गए थे क्योंकि मैंने मम्मी की इतनी सारी चीज़ें फ्रिज में से उठा के डस्टबिन में फेंक दी थी ना, तो मम्मी आती बोलते मेरी राजमा फेंक दी, मेरे को बना लेती फ्रिज में क्या ख़राब होती थी, मैं कह रही 7 दिन पुरानी थी, मम्मी बोलते बाजार में कौन सा नया सामान मिलता है, तो बहुत गुस्से में थे, बोलती बात मत कर मेरे साथ, तो मैं बात करने लगी मम्मी से, मम्मी बोलते फिर मेरे पे गुस्सा करने लग गए मम्मी, तो फिर मैं बोलती मम्मी मुझे टेंशन ना दो काम कर लेने, तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, कई दिन खराब जाते हैं, मैं अपना वीडियो भी नहीं डाल पाती, तो मम्मी बोलती गुस्से में आके ऐसे कौन से तू लाखों रुपए कमा रही है अपनी वीडियो से, जो वीडियो कर रही है काम कर रही है, तो इतने गुस्से में थे कल, तो बोलती फिर मेरे से बात मत कर, अभी फिर बात ही नहीं कर रही, फिर मैं भी नहीं कर रही मम्मी से बात। मैंने कहा चलो कोई नहीं जाने दो, क्योंकि फिर वही है ना, अगर अभी मैं बात करूंगी मम्मी से मम्मी फिर उल्टा
अपना पूरी निकाल देंगे, खुद नहीं ज्वालामुखी फट जाएगा मेरे ऊपर, और फिर मेरी तबीयत हो जाती है खराब, फिर मैं आऊंगी रोते हुए लाइव, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे ये बोल दिया वो बोल दिया, क्योंकि फिर मेरी मम्मा क्या होता है ना गुस्से में आ जाते हैं जब बहुत अच्छे वाले, तो जो दिल में आए वो बोल देंगी। मैं तो मेरी मम्मी से उस व्यवहार से बहुत डरती हूँ। कई बार मेरी मम्मी में हर 10-12 दिन में एक बार ऐसा होता है कि होता नहीं ज्वालामुखी फूटता है मेरे ऊपर, तो मैं आप चाहती नहीं मेरे ऊपर होए, तो इसीलिए क्योंकि मेरी तबीयत हो जाती है खराब कई कई दिन, 4-4, 5-5 दिन, फिर मेरी तबीयत सच में मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाती हूँ। मम्मी कुछ ऐसी बात मेरे को हर्ट करने वाली बोल दे, इसलिए मैं बात ही नहीं कर रही है इस टाइम मम्मी से, क्यों ना मम्मी मुझसे बात कर रहे ना मैं। अगर मम्मी खुद से बात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं जाऊंगी बात करने मम्मी उल्टा सुना देंगे मेरे को, और रीजन आप भी जानते हो कि गलती मेरी नहीं है, वो सारा खाना खराब था। एक बात बताओ, 5 दिन बाद हम हॉस्पिटल से आए, 5 दिन पहले का फ्रिज में रखा हुआ है, उससे भी पहले 2-3 दिन पहले पुराना खाना, चाहे वो ठीक हो खराब हो, वह तो खराब ही होता है। 7 दिन पुरानी उबली हुई राजमा फ्रिज में रखी है, मम्मी कह रहे मैं छोक लगा के खा लेती, खराब थी ना वो, मतलब अपना शरीर खराब करने वाली बात है, पता है बासी रोटी खाती रहेंगी। अब हॉस्पिटल में इकट्ठा हो जा रहा था खाना, 4-5 रोटियां कल रात को बासी खा ली, अब कह रही है पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, हमेशा का है, मतलब फेंकनी नहीं है वो चीजें, खराब भी हो चुकी हो। बोलती दही क्यों फेंकी, मैं अपने चेहरे पे उबटन की तरह लगा लेती, मैं उबटन इतने सारे फेस पैक ला रखे हैं मैंने, वो लगा लो अगर उबटन की तरह लगाना है तो। कोई नहीं, अब मैं भी बात नहीं करूंगी मम्मी से, क्योंकि मुझे पता है मम्मी ने बोला है ना मेरे साथ बात मत कर, तो मैं भी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है बात करूंगी मम्मी मेरे को सुनाएंगे, मैं फालतू में जाऊंगी डिप्रेशन में फिर टेंशन में, इसीलिए अब जब खुद करनी होगी मम्मी तभी बात कर लेंगे अपने आप, मैं भी नहीं बोलती, बस अपना काम से काम रखूंगी थोड़े दिन, 1-2-4-5 दिन, जब तक ये शांत नहीं हो जाती मम्मी मेरी। तो ठीक है, चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और ये नेक्स्ट डे है, रात को कोई हिम्मत नहीं थी मेरी काम वाम करने की, बस सो गई फिर मैं, फिर अब सुबह देखूंगी लग के करूंगी, बहुत सारा काम पेंडिंग हो गया मेरा बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।